नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और हमारे पीछे जैसा आप देख रहे होंगे कि पूरी ये जो प्लांटेशन है ये है केला का, और हम आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर व्यू को लेकर के चलेंगे। और ये पूरे प्लांट ऐसे आप गंगा नदी के किनारे किनारे जब चलिएगा तो इसी प्रकार के प्लांट नज़र आ जाएंगे। केला की खेती को एलुवियल सॉइल चाहिए होता है, लेकिन पानी 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जलोढ़ मिट्टी में पानी का जमाव होना चाहिए, और इसकी अच्छी अच्छी वैरायटी आती है। देखिए कई यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में, आप चारों साइड का दृश्य अगर देखना चाहेंगे तो हजारों की संख्या में केले की पूरी प्लांटेशन है। और केला के बारे आप जानते होंगे कि इसको एक बार के बाद इसको कट कर दिया जाता है ताकि किसी दूसरे प्लांट्स किनारे में आ जाए। तो देखिए एक सिस्टमेटिक वे में अगर इसकी खेती की जाती है तो ये ऐसे तो ट्रॉपिकल रीजन में इसकी खेती होती है, तो बिहार के साथ साथ आपको ये बता दें कि देखिए जैसे ये इसका आप देखिए काफ़ी ये बड़ा है, अभी तो तैयार हो रहा है, ये फसल तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ इधर भी देखिए ये फसल अभी तैयार ही हो रहा है। आप पूरी गंगा के किनारे किनारे जब जाइएगा तो ये चीज़ें आपको हजारों की संख्या में ऐसे ही मिलेगा। और पूरी नीचे जो है मिट्टी ये थोड़ी गीली है, इसलिए हमें थोड़ी चलने में परेशानी भी हो रही है, थोड़ी सी गीली मिट्टी रहती है नीचे। लेकिन आपको ये हम बता दें कि आप बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और एग्रीकल्चर को समझने के लिए, चूँकि बनाना में भारत के अलावा क्यूबा जो है, क्यूबा और क्यूबा के साथ में आपको बता दें कि क्यूबा रहता है और वेस्ट इंडीज में भी काफ़ी ज़्यादा खेती होती है केला की। इसके अलावा देखिए इधर इस साइड के भी प्लांट्स देखे, और यहाँ पर देखिए पानी के लिए बाकायदा यहाँ पर एक सिस्टम भी बनाया हुआ है कि जब पानी की ज़रूरत, अगर पानी कम होगा तो फिर केले की फसल में मतलब नहीं रह पाएगा उतनी, ये तो ये भी यहाँ पर सुविधा दिया हुआ है कि जब कभी पानी की दिक्कत होती होगी। इधर भी इस साइड की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि आप जब आप ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें केले का जिक्र होता है, और सेब जो है और ऑरेंज जो है वो टेम्परेट फ्रूट्स में आता है। तो आप जब जब भी ट्रॉपिकल के बारे पढ़ाई करिएगा तो उसमें टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होता है, यानी कि टेम्परेचर तकरीबन जो होगा वो 20 से ऊपर यानी कि 25 से लेकर 35 डिग्री तक टेम्परेचर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इतने बीच में हम लोग खड़े हो गए हैं कि आप तो भुला जाएंगे, कम से कम यहाँ पर जो खेती करने वाले लोग उन्होंने बताया कि 40 से 50 हज़ार एक केला का प्लांट है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी दूर तक, तो आप देखें वो चीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा केला की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, और हर साइड में आप सिर्फ देखिए हमारे साइड साइड में काफ़ी केला की, आप इतना ज़्यादा केला आप एक तादाद में नहीं देखे होंगे। और देखिए कुछ पक्षी भी है यहाँ पर जिसकी तेज़ आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है जो हम आपके लिए चुने थे। और आपको बता दें कि जब टेम्परेट फ्रूट्स की बात होती है तो आप एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि टेम्परेट फ्रूट्स जो है उसकी खेती 14 से 20 डिग्री के बीच ही होगी, मतलब थोड़ा सा विंटर में रेन हो जाए जैसे कि एप्पल है, ऑरेंज है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बात देखिए बहुत ज़्यादा केला है, मतलब हमें तो लगता है कि केला का बिजनेस का सेंटर भी है, और इतना बड़ा प्लांट का एरिया आपने कहीं भी इसके पहले आप एक साथ नहीं देखे। मुझे झारखंड अब तक न्यूज़ पर ये आपको खास जानकारी हम दे रहे हैं। देखिए और कितनी आप अगर काउंट नहीं कर पाइएगा, इतने जो केला के घौद बोलते हैं लोकल भाषा में, तो ये बहुत बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और पूरी ये आप पटना से लेकर के गंगा के किनारे किनारे तक, भागलपुर मुंगेर वाले रास्ते से आप जहाँ तक जा पाइएगा तो किनारे किनारे इसी प्रकार के प्लांटेशन आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये खास है जो हम आपको खास तौर पर बताना चाहेंगे। अब चारों ओर की आप दृश्य दिखाइए, देखिए बीच में हम लोग हैं, और अब आप दृश्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर जो प्लांट्स हैं केला के वो कितनी बड़ी तादाद में होंगे। आप एक साथ संभवतः ऐसा मौका आपको नहीं मिलता होगा, और हम लोग को जब मौका मिलता है तो आपके लिए वीडियो बना। तो जब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात होती है तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ट्रॉपिकल का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो मोर देन 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 35-40 तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इससे आप कोकोनट देखते हैं या फिर केला देखते हैं। और अगर आपसे टेम्परेट की बात करते हैं हम लोग,
तो टेम्परेट वाला जो फ्रूट्स होता है उसमें टेम्परेचर कम चाहिए, इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए, बारिश भी ज़्यादा चाहिए होता है, उसको बारिश भी कम चाहिए होगा। ये चीज़ों को आपको बता दें। तो ये हम अब आपको बता दें कि प्लांट्स में सबसे बेहतरीन माना जाता है इसके जो कार्बोहाइड्रेट की पोजीशन है, ये भी केले में ज़्यादा होते हैं। जब हम लोग युवा में जब एयरफोर्स वगैरह में जाने का रहता था, या आज भी जो नवयुवक होते हैं जिसे दौड़ना रहता है, तो लोग केला ज़रूर खा लेते हैं, या स्पोर्ट्समैन को देखिएगा, क्योंकि एनर्जी इससे ज़्यादा आती है। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।